हाय दोस्तों, मैं अमित सर पुनः आपके समक्ष प्लेटफॉर्म कोचिंग की तरफ से आपका पुनः अभिवादन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने लॉजिकल चैप्टर के लिए पहले कुछ टिप्स दे रखी हैं अपने पहले वीडियो में, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से लॉजिकल को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे लॉजिकल को सोचना चाहिए। आज हम लोग कुछ प्रश्नों की मदद से लॉजिकल सेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से आप इस प्रश्न को देखिएगा। मैं एक कथन लिख रहा हूं। मैंने पहला कथन लिखा, टाटा मोटर्स के सीईओ ने इस वित्तीय वर्ष से अपने सभी गाड़ियों की कीमत पर 10% तक की छूट देने का फैसला लिया है। तो जैसे ही हमने यह कहा कि टाटा मोटर के सीईओ ने इस वित्तीय वर्ष से अपने सभी गाड़ियों की कीमत पर 10% तक की छूट देने का फैसला लिया है, तो सबसे पहले इसको पढ़ने के बाद हमारा मस्तिष्क यह सोचना शुरू कर देगा कि आखिर टाटा मोटर्स ने ऐसा काम किया तो क्यों किया, वो अपनी गाड़ियों पे 10% की छूट क्यों दे रहा है। तो यहाँ हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं और यहाँ हम निगेटिव भी सोच सकते हैं, लेकिन लॉजिकल सेक्टर में चूंकि निगेटिव सोच वर्जित होता है, इसीलिए निगेटिव अजम्पशन मेरा मान्य नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव अजम्पशन जो भी होगा वो मान्य होगा। तो मैं कुछ पूर्व धारणाएं लिख रहा हूं। हो सकता है टाटा मोटर्स को इस छूट का लाभ मिले और इस वर्ष इस कंपनी का कारोबार पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा हो। तो पहला अजम्पशन यानी पहला पूर्व धारणा कहता है, हो सकता है टाटा मोटर्स को इस छूट का लाभ मिले और इस वर्ष इस कंपनी का कारोबार पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा हो। तो हम बिल्कुल ये अजम्पशन ले सकते हैं कि जब किसी कंपनी ने अपने किसी प्रोडक्ट पर 10% की छूट दी है, अर्थात उसकी मंशा यह रही होगी कि इससे मार्केट में उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स अधिक से अधिक बिके और उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, अतः यह अजम्पशन हम टेक कर सकते हैं सही के रूप में। अब मैंने दूसरा अजम्पशन लिख दिया, टाटा मोटर के सीईओ के द्वारा लिया गया यह फैसला टाटा मोटर को आर्थिक हानि पहुंचा सकता है। जब मैंने दूसरा स्टेटमेंट पास किया यानी दूसरा अजम्पशन मैंने लिया कि टाटा मोटर्स के सीईओ द्वारा लिया गया यह फैसला टाटा मोटर को आर्थिक रूप से हानि पहुंचा सकता है, तो यहाँ हम इस कथन का निगेटिव सोच ले रहे हैं, यानी कथन में कहा है कि 10% तक की छूट दिया जाएगा और छूट देने पे कंपनी की अपनी रणनीति होती है
कि इस छूट के एवज में अधिक से अधिक उसके कार की गाड़ी की सेलिंग होगी और उससे उसको प्रॉफिट होगा, ना कि उसको नुकसान होगा। अतः यह पूर्वधारणा टोटली रूप से गलत हो जाएगा, क्योंकि यह निगेटिव सोच पर आधारित है। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं और इससे हम लोग फिर और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने कथन लिखा, क्या पटना जैसे शहर में जहां आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, मेट्रो रेल परियोजना को कार्य वंतित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप यह कथन को समझने की कोशिश करो कि कथन हमसे क्या चाह रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने बतलाया था कि ऐसा कथन जिसके मदद से आपसे आपकी राय पूछी जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाए, वह कथन हमेशा आर्गुमेंट का कथन होगा और उसका जवाब हमें हाँ या ना में देना होगा। लेकिन हाँ या ना तक ही सीमित नहीं होगा, हाँ या ना के पीछे के सही रीजन को देना ही परफेक्ट आर्गुमेंट कहलाएगा। तो यहाँ अगर हम प्रश्न को पढ़ें तो साफ साफ आपको दिखेगा कि क्या पटना जैसे शहर में जहाँ आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, मेट्रो रेल परियोजना का कार्यान्वित किया जाना चाहिए। यानी वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या पटना में मेट्रो रेल की व्यवस्था की जानी चाहिए, मेट्रो रेल की शुरुआत की जानी चाहिए। यानी यह आर्गुमेंट का प्रश्न है, तो इसके नीचे तर्क होंगे। तो मैं तर्क नंबर एक लिखता हूँ, मैंने कहा हाँ, यानी मैंने इसके कथन का सपोर्ट किया कि हाँ भाई साहब, पटना में मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अब इसके पीछे का रीजन लिखा होगा, तो मैं रीजन लिख रहा हूं, ऐसा करने से पटना शहर में ट्रैफिक सुचारू रूप से बेहतर हो सकेगी और इससे पटना शहर के विकास की रफ्तार में गति आएगी। जैसा कि मैंने कहा हाँ ऐसा करने से, यानी मैंने इस कथन का सपोर्ट किया और मैंने कहा कि हाँ पटना शहर में मेट्रो रेल आना चाहिए, तो हमसे जानना चाहा कि क्या रीजन है, आपका क्या सोच है पटना शहर में मेट्रो लाने का। तो मैंने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि ऐसा करने से पटना शहर में ट्रैफिक सुचारू रूप से बेहतर हो सकेगी और इससे पटना शहर के विकास की रफ्तार में गति आएगी। तो आप खुद सोचो, जहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन और वहाँ रोड के डायमीटर को बढ़ा पाना मुश्किल है, वहाँ प्रतिदिन लोग नए नए वाहनों को खरीद रहे हैं, लोगों की यात्रा बढ़ गई है, वाहनों की संख्या बढ़ गई है, यानी सड़क पर ट्रैफिक बहुत अधिक हो गया है। यदि उस स्थिति में मेट्रो रेल की व्यवस्था पटना शहर में करवा दी जाए तो आम लोग मेट्रो रेल से सफर कर सकते हैं और इससे ट्रैफिक का बोझ जो है वो सड़कों से बंट करके मेट्रो पे आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ट्रैफिक के बोझ में और सही मायने में ट्रैफिक बेहतर हो सकेगी।
यदि किसी शहर की ट्रैफिक अच्छी हो जाती है तो उस शहर की रफ्तार जो है उसके विकास होने की वो बिल्कुल बढ़ जाती है। तो हमारे द्वारा दिया गया जो रीजन था वो बिल्कुल परफेक्ट रीजन था, इसलिए हमारा सपोर्ट करना यह सही आर्गुमेंट कहलाएगा। अब मैं दूसरा आर्गुमेंट लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा करने में सरकार का बहुत अधिक पैसा खर्च हो जाएगा, इससे अच्छा है कि सरकार एक और नया शहर का निर्माण कर ले। अब दोस्तों अगर हम ध्यान से यहां देखें तो मैंने इसका विरोध कर दिया कि नहीं भाई, मेट्रो रेल परियोजना को पटना में लागू नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे का रीजन हमें बताना था और मैंने रीजन के रूप में लिखा, ऐसा करने से सरकार का बहुत अधिक पैसा खर्च हो जाएगा, इससे अच्छा है कि सरकार एक और नया शहर बसा ले। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब लॉजिकल सेक्टर में लोक कल्याण या जन कल्याण की बात आती हो तो वहाँ पे लोक कल्याण जन कल्याण को प्रभावित करने वाले कोई भी कारक जो उसको खत्म कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, वो कभी भी मान्य नहीं होगा। और यदि पटना में मेट्रो रेल आती है तो वहाँ पटना का मेट्रो रेल आम आदमियों के लिए एक वरदान साबित होगा और ऐसी स्थिति में पटना मेट्रो को रोक लगाना और उस पैसे के यूज से दूसरे शहर का निर्माण करना वो हितकारी साबित नहीं होगा। अतः हमारा दूसरा तर्क जो है वो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ तर्क नंबर एक ही सुचारू रूप से प्रबल माने जाएंगे और सफिशियंट माने जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल अब हम लोग और देखते हैं। भारत सरकार ने इस वर्ष से सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 5,000 रुपया प्रति वर्ष अनुदान देने का फैसला किया है। यदि हम कथन को ध्यान से देखें कि भारत सरकार ने इस वर्ष से सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 5,000 रुपया प्रति वर्ष अनुदान देने का फैसला किया है, तो प्रश्न को पढ़ने के बाद प्रश्न की मंशा साफ साफ झलक रही है कि भारत सरकार 5,000 रुपया प्रति वर्ष उन बच्चों को देना चाह रही है जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, यानी जो बच्चे गरीब फैमिली से आते हैं, गरीब तबके के होते हैं। तो इससे हम लोग अजम्पशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पूर्व धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला पूर्व धारणा मैंने लिखा, हो सकता है भारत सरकार की यह पार्टी आने वाले चुनाव में अपना
वोट बैंक बढ़ाना चाहती हो। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है भारत सरकार की यह पार्टी आने वाले चुनाव में अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती हो, तो यहाँ जो सरकार अभी चल रही है हम उसका निगेटिव सोच रहे हैं कि सरकार ने यह 5,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान इसलिए देने की बात कही ताकि उसकी सरकार सत्ता में बनी रहे। जो हमारे द्वारा निगेटिव सोच है अपने सरकार के प्रति, और यह कभी भी मान्य नहीं हो सकता। अब मैंने दूसरा लिखा, हो सकता है भारत सरकार उन बच्चों को जो पैसे की कमी के कारण विद्यालय तक नहीं पहुंच बना पाते हैं उनको प्रलोभन देकर उन्हें शिक्षित बनाना चाहती हो। अगर हम अपना दूसरा जमसन देखें, हो सकता है भारत सरकार उन बच्चों को जो पैसों की कमी के कारण विद्यालय तक नहीं पहुंच बना पाते हैं उनको प्रलोभन देकर उन्हें शिक्षित बनाना चाहती हो, तो इसमें भारत सरकार की अच्छी मंशा दिख रही है। जो मंशा यह बतलाना चाह रही है कि सरकार अपने देश के अधिकांश से अधिकांश बच्चों को शिक्षित बनाना चाहती है, अतः यह सरकार की पॉजिटिव सोच है जो मान्य होगी। चलिए चलते चलते एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इसी को जब हम लोग आर्गुमेंट में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसका रूप कैसा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कथन दिया, भारत सरकार ने इस वर्ष से सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 5,000 रुपया प्रति वर्ष अनुदान देने का फैसला किया है, क्या भारत सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला उपयुक्त है? अब जैसे ही हमने क्या भारत सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला उपयुक्त है लगाया, यह अजम्पशन से आर्गुमेंट के प्रश्न में बदल गया और हमें इसका जवाब हाँ या ना में देना होगा। तो मैंने पहला तर्क प्रस्तुत किया, नहीं। अब मैं इसके पीछे का रीजन लिख रहा हूं, भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि उचित रूप से बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि विद्यालयों के अधिकारी इन पैसों से अपनी जेब भरेंगे। यदि मैं कहूं कि नहीं, यानी मैं इसका विरोध कर रहा हूं कि भारत सरकार को 5,000 रुपये प्रति वर्ष जो अनुदान दे रहा है विद्यालयों के बच्चों को, सरकारी विद्यालयों के बच्चे को, उसे नहीं देना चाहिए, और उसके पीछे का मैंने पुख्ता रीजन बतलाया कि भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि उचित रूप से बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि विद्यालयों के अधिकारी इन पैसों से अपनी जेब भरेंगे, यह
विद्यालय के अधिकारियों के द्वारा हमारी निगेटिव सोच है, और लॉजिकल सेक्टर में जैसा कि मैंने कहा निगेटिव सोच कभी भी मान्य नहीं होती है, वह हमेशा वर्जित होती है, अतः यह तर्क मेरे लिए गलत साबित हुआ। मैंने फिर कहा दूसरा, हाँ ऐसा करने से बच्चों का रुझान विद्यालयों के प्रति बढ़ेगा, और वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ने आएंगे। जैसे ही मैंने दूसरा कथन कहा हाँ, यानी मैंने इसका सपोर्ट किया कि 5,000 रुपया प्रति वर्ष जो अनुदान भारत सरकार बच्चों को दे रही है वह अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों का रुझान विद्यालयों के प्रति बढ़ेगा और वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ने आएंगे। अतः हमारी मनसा साफ साफ झलक रही है कि बच्चे रियली में इससे इफेक्टिव होंगे यदि बच्चों को हर वर्ष 5,000 रुपया उपहार स्वरूप सरकार के द्वारा दिया जाए तो। अतः हमारा दूसरा तर्क जो है वह उचित है। तो दोस्तों ये था लॉजिकल का कुछ क्वेश्चंस। अगले वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, और संभावना ऐसी बन रही है कि मैं कुछ कुछ लॉजिकल आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। दोस्तों कल की जो वीडियो आएगी उस वीडियो में जो CBT 1 में लॉजिकल के प्रश्न पूछे गए हैं कल मैं उस प्रश्नों पे चर्चा करूंगा कि आखिर बच्चों को वो प्रश्न कठिन क्यों लगे, जबकि प्रश्न का नेचर कठिन नहीं था, वो काफी सरल प्रश्न थे जिसको थोड़ी सी बुद्धि और विवेक से बनाने पर वो आसानी से बनाए जा सकते थे। तो चलिए मित्रों आज हमारी सभा यही बर्खास्त की जाती है, और अगले बार हम लोग CBT 1 के प्रश्नों को देखेंगे बहुत ही जल्द। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।